नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से टाइटैनिक ट्रोल्स यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो दोस्तों कैसे हो? मुझे पता है सब खुशी होंगे, बट तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं दोस्तों। बिकॉज यूर भाई इज फक्ड अप, एवरी टाइम यूर भाई इज फक्ड अप। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता, 20 लाख करोड़ की जनता में शनि भगवान सिर्फ हमें क्यों सेलेक्ट करते, ये समझ नहीं आता हमें। हम इस फीलिंग को एक कहानी के साथ समझाना चाहते। एक निकम्मा चिड़िया थी जो सुबह से शाम तक अपने दोस्तों से गांड मरवाती थी। अब चिड़िया ने सुबह से शाम तक गांड मरवाया और शाम को घर जाने से पहले सोचा कि हम पिताजी को कुछ सरप्राइज़ देंगे। तो चिड़िया ने सोचा क्या सरप्राइज़ दे, तो चिड़िया ने नीचे जाते हुए सांप को देखा और सोचा कि पिताजी को सांप गिफ्ट कर देंगे। तो चिड़िया अपनी औकात भूल गई और सांप को पकड़ने के लिए नीचे गई। सांप को मुँह में पकड़ने की कोशिश की तो सांप ने गांड में 2 गांठा लगा दी, तो चिड़िया वही का वही मर गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है, उड़ते हुए तीर को कभी गांड में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी हम कुछ कोशिश करते तो उड़ता हुआ तीर सीधा हमारा गांड में आके घुस जाता है। ठीक है, हम मानते हैं हमारा गांड ठंडी में बहुत काम आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर उड़ते हुए तीर आके हमारा गांड के अंदर घुस गया। हमारी कोई सादा सीधा गांड नहीं है, हमारे गांड को एक इज्जत है, एक वैल्यू है। हम इसलिए इस शनि भगवान को वार्न करना चाहते हैं कि भाई ये हर उड़ते हुए सस्ते तीर को हमारे गांड में मत घुसाना। दोस्तों हुआ ये है कि आज हम और पिताजी बैठ के चाय और बिस्कुट खा रहे थे। मेरे प्लेट में बिस्किट खत्म हो गया तो हम पिताजी की प्लेट में से बिस्किट उठाकर खा रहे थे। इतने में पिताजी ने हमसे ये बोला, बेटा मैं तेरे से बचपन में ये पूछता था, तू बड़े होकर क्या करेगा? तो हमने ये बोला, पिताजी हम ये बोलते थे हम ऐसा मशीन बनाएंगे जो भी जगह आप जाना चाहते हो उस जगह का नाम उस मशीन में टाइप कर दो, बस वो मशीन आपको लेके जाएगा। पिताजी 2 सेकंड के बाद हमसे मशीन का स्पेलिंग पूछा। तो हम समझ गए पिताजी हमारी ज्ञान को टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोला MICHEN। हम समझ गए इस घर में हमारा कोई इज्जत नहीं है, अब हमें 10 किलो इज्जत चाहिए जो कि हमें कमाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ इज्जत कमाने। दोस्तों हमने इंक्वायरी कर लिया है, इज्जत कमाने के लिए हमें क्या चाहिए? दोस्तों हमें इज्जत कमाने के लिए हमें चाहिए एक अच्छा सा प्रोफेशन जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों हमारे पास प्रोफेशन क्या, हमारे पास घंटा कुछ है इज्जत कमाने के लिए। तो हमने सोचा यार हमारे पास जो सड़ा हुआ बाइक है उसको यूज करके हम आज इज्जत कमाएंगे। दोस्तों तुम लोग तुम्हारे भाई को बहुत हल्के में ले रहे हो, तुम लोग को पता नहीं तुम्हारा भाई बाइक के साथ ऐसा स्टंट करता है ना, ऐसा स्टंट करता है कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखेगा ऐसा स्टंट। हमें 10-15 बार कॉल आई थी हॉलीवुड से स्टंट करने के लिए, तो हमने रिजेक्ट कर लिया दोस्तों, क्योंकि हम थे फैमिली मैन। अब हम फैमिली मैन नहीं रहे, अब हम बन गए निकम्मे। तो हमने सोच लिया कि आज हम बनेंगे स्टंट मास्टर, यहाँ दोस्तों स्टंट करेंगे, ऐसा स्टंट करेंगे कोई मूवी में नहीं देखा हो तुम लोग। तो ये रहा हमारा बेंज, हमारा मर्सिडीज, हमारा लैम्बोर्गिनी, हमारा सब कुछ यही है दोस्तों, बस इसका टायर में हवा कम है अभी, बस थोड़ा हवा भर लूं फिर हम चालू करते हैं स्टंट। दोस्तों हमने हवा भर लिया है, पूरा पूरा भर लिया है, हमने 5 रुपए एक्स्ट्रा भी दिया साले को, तो हमने पूरा हवा भर लिया, अब हम जाएंगे स्टंट करने के लिए। अबे चल हट भोसड़ी के, अबे यार हट यार भोसड़ी वालों, यार तुम लोग यार एक स्टंट मास्टर के सामने आ जाते हो यार, कैसे स्टंट करूं यार। दोस्तों एक स्टंट मास्टर को पता है क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है 30-40 एकड़ जगह, यानी प्लेस, क्योंकि दोस्तों हम ऐसा स्टंट करते ना, हमें इतना जगह तो चाहिए होता है यार, और हमें थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम निकल जाएंगे और सुबह मैदान में मिलेंगे प्रॉपर सेफ्टी के साथ दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी तो जरूरी है हमारे लिए। तो हम पहुंच गए हमारे गांव के मैदान में दोस्तों, यहाँ हम खेलते हैं, नाचते हैं, हगते हैं और खाते पीते भी है। दोस्तों यहाँ हम करेंगे स्टंट, और सेफ्टी के लिए हमने पहन लिए फटा हुआ जैकेट जो हम 7 साल पहले खरीदे थे। दोस्तों हम हमारा पहला स्टंट चालू करेंगे। दोस्तों वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, दोस्तों हमें लगता है हमारे साथ कुछ धोखा हो गया है, हमें लगता है किसी ने बाइक में रॉकेट का तेल डलवा दिया दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे स्टंट कर रहे थे कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने रॉकेट का तेल डलवा दिया इसलिए हमारा बाइक रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लग गई। अरे नहीं यार ये कहीं तीर ना बन जाए फिर हमारा गांड में घुसने लगा, हमें लग ही रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है यार, पता नहीं ये तीर कहाँ से बन जाते यार, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया यार। दोस्तों यार देखो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, हम समझ गए हम अपने पिताजी को कभी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, कर दो भाई कर दो यार प्लीज़।